श्री विष्णु पुराण दूसरा अध्याय स्वर्णी मनु की उत्पत्ति तथा आगामी 7 मन्वंतरों के मनु मनुपुत्र देवता इंद्र और सप्त ऋषियों का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विप्रषे, आपने यह 7 अतीत मन्वंतरों की कथा कही, अब आप मुझसे आगामी मन्वंतरों का भी वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, भगवान विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा भगवान सूर्य की भार्या थी। उनसे उनके मनु यम और यमी 3 संतानें हुई। कालांतर में पति का तेज सहन न कर सकने के कारण संज्ञा छाया को पति की सेवा में नियुक्त कर स्वयं तपस्या के लिए वन को चली गई। सूर्यदेव ने यह समझकर कि यह संज्ञा ही है, छाया से शनिश्चर एक और मनु तथा तप्ती ये 3 संतानें उत्पन्न की। एक दिन जब छाया रूपिणी संज्ञा ने क्रोधित होकर अपने पुत्र के पक्षपात से यम को शाप दिया, तब सूर्यदेव को और यम को विदित हुआ कि यह तो कोई और है। तब छाया के द्वारा ही सारा रहस्य खुल जाने पर सूर्यदेव ने समाधि में स्थित होकर देखा कि संज्ञा घोड़ी का रूप धारण कर वन में तपस्या कर रही है। अतः उन्होंने भी अश्वरूप होकर उनसे 2 अश्वनी कुमार और ऋतःस्राव के अनंतर ही रेवंत को उत्पन्न किया। फिर भगवान सूर्य संज्ञा जी को अपने साथ अपने स्थान पर ले आए तथा भगवान विश्वकर्मा ने उनके तेज को शांत कर दिया। उन्होंने भगवान सूर्य को भ्रम यंत्र अर्थात शान पर चढ़ाकर उनका तेज छांटा, किंतु वे उस अक्षुण तेज को केवल अष्टमांश ही क्षीण कर सके। हे मुनि सतम, सूर्य देव के जिस जाज्वालायमान वैष्णव तेज को भगवान विश्वकर्मा ने छांटा था, वह पृथ्वी पर गिरा। उस पृथ्वी पर गिरे हुए सूर्य तेज से ही भगवान विश्वकर्मा ने भगवान विष्णु का चक्र, भगवान शंकर का त्रिशूल, भगवान कुबेर का विमान, भगवान कार्तिकेय की शक्ति बनाई तथा अन्य देवताओं के भी जो जो शस्त्र थे उन्हें उससे पुष्ट किया। जिन छाया संज्ञा के पुत्र दूसरे मनु का ऊपर वर्णन कर चुके हैं, वह अपने अग्रज मनु का स्वर्ण होने से सावर्णी कहलाया। हे महाभाग सुनो, अब मैं उनके इस सावर्णिक नाम 8वें मन्वंतर का जो आगे होने वाला है वर्णन करता हूँ। हे मैत्रेय, यह सावर्णी ही उस समय मनु होंगे तथा सुतप अमिताभ और मुख्य गण देवता होंगे। उन देवताओं का प्रत्येक गण 20-20 का समूह कहा जाता है। हे मुनि सतम, अब मैं आगे होने वाले सप्तऋषि ही बतलाता हूँ। उस समय दीप्तिमान गालव राम कृप द्रोण पुत्र अश्वत्थामा मेरे पुत्र व्यास और 7वें विषय श्रृंग ये सप्त ऋषि होंगे तथा पाताल लोकवासी विरोचन के पुत्र राजा बलि श्री विष्णु भगवान की कृपा से तत्कालीन इंद्र और सावर्णी मनु के पुत्र गिरजा उर्वरीवान एवं निर्मुख आदि तत्कालीन राजा होंगे। हे मुने, 9वे मनु दक्ष सावर्णी होंगे। उनके समय पार मरीचि गर्भ और सुधर्मा नामक 3 देव वर्ग होंगे, जिनमें से प्रत्येक वर्ग में 12-12 देवता होंगे तथा हे द्विज, उनका नायक महाप्राकर्मी अद्भुत नामक इंद्र होगा। सवन धुतिमान भव्य वसु मेधा तिथि ज्योतिषमान और 7वीं सत्य है, ये उस समय के सप्त ऋषि होंगे तथा धृत केतु दीप्त केतु पंचहस्त निरामय और प्रथश्रवा आदि दक्ष सावर्णी मनु के पुत्र होंगे। हे मुने, 10वें मनु ब्रह्म सावर्णी होंगे। उनके समय सुधामा और विशुद्ध नामक 100-100 देवताओं के 2 गण होंगे। महाबलवान शांति उनका इंद्र होगा तथा उस समय जो सप्त ऋषि गण होंगे उनके नाम सुनो। उनके नाम हविष्मान सुकृत सत्य तपोमूर्ति नाभाग अप्रतिमोजा और सत्य केतु है। उस समय ब्रह्म सावर्णी मनु के सुक्षेत्र उत्तम मौजा और भूरी शयन आदि 10 पुत्र पृथ्वी की रक्षा करेंगे।
ग्यारहवां मनु धर्म सावरणी होगा। उस समय होने वाले देवताओं के विहंगम कामगम और निर्वाण रति नामक मुख्य गण होंगे। इनमें से प्रत्येक में 30-30 देवता रहेंगे और वृष नामक इंद्र होंगे। उस समय होने वाले सप्त ऋषियों के नाम महेश्वर अग्नि तेजन वपुष्मान धरणी आरुणी हविष्मान और अनग हैं। तथा धर्म सावरणी मनु के सर्वत्रज्ञ सुधर्मा और देवानीक आदि पुत्र उस समय के राज्याधिकारी पृथ्वीपति होंगे। रुद्र पुत्र सावरणी बारहवे मनु होंगे। उनके समय ऋतुधामा नामक इंद्र होंगे। तथा तत्कालीन देवताओं के नाम ये हैं, सुनो हे ब्रज। उस समय 10-10 देवताओं के हरित रोहित सुमना सुकर्मा और सुराप नामक 5 गण होंगे। तपस्वी सुत्पा तपोमूर्ति तपोरति तपोघति तपोधुति तथा तपोधन ये 7 सप्त ऋषि होंगे। अब मनु पुत्रों के नाम सुनो। उस समय उन मनु के देववान उपदेव और देव श्रेष्ठ आदि महावीरशाली पुत्र तत्कालीन सम्राट होंगे। हे मुनि, 13वां रुचि नामक मनु होगा। इस मनवंतर में सुत्रामा सुकर्मा और सुधर्मा नामक देवगण होंगे। इनमें से प्रत्येक में 33-33 देवता रहेंगे। तथा महाबलवान देवस्पति उनका इंद्र होगा। निर्मोह तत्वदर्शी निष्प्रकंप निरुत्सुक गतिमान अव्यय और सुत्ता ये तत्कालीन सप्त ऋषि होंगे। अब मनु पुत्रों के नाम भी सुनो। उस मनवंतर में चित्रसेन और विचित्र आदि मनु पुत्र राजा होंगे। हे मैत्रेय, 14वां मनु भौम होगा। इस समय शुचि नामक इंद्र और 5 देवगण होंगे। उनके नाम सुनो। वे चाक्षुष पवित्र कनिष्ठ भ्राजक और वाचावृद्ध नामक देवता होंगे। अब तत्कालीन सप्त ऋषियों के नाम ही सुनो। उस समय अग्निबाहु शुचि शुक्र मागध अग्निध्र युक्त और जित ये सप्त ऋषि होंगे। अब मनु पुत्रों के विषय में सुनो। हे मुनिषादु, कहते हैं उस मनु के उरु और गंभीर बुद्धि आदि पुत्र होंगे जो राज्याधिकारी होकर पृथ्वी का पालन करेंगे। प्रत्येक चतुर्युग के अंत में वेदों का लोप हो जाता है। उस समय सप्त ऋषि गण ही स्वर्ग लोक से पृथ्वी में अवतीर्ण होकर उनका प्रचार करते हैं। प्रत्येक सतयुग के आदि में मनुष्यों की धर्म मर्यादा स्थापित करने के लिए स्मृति शास्त्र के रचयिता मनु का प्रादुर्भाव होता है और उस मनवंतर के अंत पर्यंत तत्कालीन देवगण यज्ञ भागों को भोगते हैं। तथा मनु के पुत्र और उनके वंशधर मनवंतर के अंत तक पृथ्वी का पालन करते रहते हैं। इस प्रकार मनु सप्त ऋषि देवता इंद्र तथा मनु पुत्र राजागण ये प्रत्येक मनवंतर के अधिकारी होते हैं। हे द्विज, इन 14 मनवंतरों के बीत जाने पर 1000 युग रहने वाला कल्प समाप्त हुआ जाता है। हे साधु श्रेष्ठ, फिर इतने ही समय की रात्रि होती है। उस समय ब्रह्म रूप धारी शिव भगवान विष्णु प्रलय कालीन जल के ऊपर शेष शय्या पर शयन करते हैं। हे विप्र, तब आदि कर्ता सर्व व्यापक सर्वभूत भगवान जनार्दन संपूर्ण त्रिलोकी का ग्रास कर अपनी माया में स्थित रहते हैं। फिर प्रलय रात्रि का अंत होने पर प्रत्येक कल्प के आदि में अव्यय आत्मा भगवान जागृत होकर रजोगुण का आश्रय कर सृष्टि की रचना करते हैं। हे द्विश्रेष्ठ, मन मनु पुत्र राजागण इंद्र देवता तथा सप्त ऋषि ये सब जगत का पालन करने वाले भगवान के सात्विक अंश हैं। हे मैत्रेय, स्थिति कारक भगवान विष्णु चारों युगों में जिस प्रकार व्यवस्था करते हैं सो सुनो। समस्त प्राणियों के कल्याण में तत्पर वे सर्वभूतात्मा सतयुग में कपिल आदि रूप धारण कर परम ज्ञान का उपदेश करते हैं। त्रेतायुग में वे सर्वसमर्थ प्रभु चक्रवर्ती भूपाल होकर दुष्टों का दमन करके त्रिलोकी की रक्षा करते हैं। तदंतर द्वापर युग में वे वेद व्यास रूप धारण कर एक वेद के 4 विभाग करते हैं और सैकड़ों शाखाओं में बटकर उनका बहुत विस्तार कर देते हैं।
इस प्रकार द्वापर में वेदों का विस्तार कर कलयुग के अंत में भगवान कल के रूप धारण कर दुराचारी लोगों को सन्मार्ग में प्रवृत्त करते हैं। इसी प्रकार अनंत आत्मा प्रभु निरंतर इस संपूर्ण जगत के उत्पत्ति पालन और नाश करते रहते हैं। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उनसे भिन्न हो। हे विप्र, इन लोक और परलोक में भूत भविष्यत और वर्तमान जितने भी पदार्थ हैं, वे सब महात्मा भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं। यह सब मैं तुमसे कह चुका हूँ। मैंने तुमसे संपूर्ण मनवंतरों और मनवंतराधिकारियों का वर्णन कर दिया है। कहो अब और क्या सुनाऊं? इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश में दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।